तुम्हारा पैसा तुमने किसी को दिया 5 लाख 4 लाख 3 लाख 10 लाख 8 लाख 2 लाख 50 हजार 25 हजार 20 हजार 40 हजार और वो पैसा नहीं दे रहा आपको, आप हार गए कह कहकर फोन लगा लगा कर भैया दे दे रहे परेशानी है, दे दे रहे भैया हम तो परेशान हो गए और हार गए नहीं मिल रहा, बहुत परेशान। तो महाराज किसी भी अष्टमी या नवमी तिथि के दिन आप माँ जगज्जननी जगदम्बा का शिव के साथ में शिव शक्ति का स्मरण कर देवी के नाम की 9 आहुतियां सूखे बीले की, मतलब बीला जो सूख चुका है, फल जो सूख चुका है, उसकी 9 आहुतियां अग्नि में शंकर और सती के नाम से, शंकर और शिव के नाम से समर्पित करें और आखिरी आहुति जो समर्पित करें उसमें थोड़ा सा भाग तिल का, और तिल भी काली नहीं चढ़ती उसमें, श्वेत तिल का भाग उसके साथ लगाकर समर्पित करें और जिससे धन लेना है उसका नाम लेकर वो समर्पित करें महाराज, उसको सुध आएगी और वो पैसा किसी भी हाल में आपके हाथ में थमाकर जाएगा ही, ये पक्का है। उसकी आहुतियां हे जगजननी हे जगदम्बा तेरा नेत्र बिंदु से जो प्रकट हुआ वृक्ष है बेलपत्र का, उस वृक्ष की एक एक जड़ हो टहनी हो डाली हो फल हो शूल हो वो सब मुझे अंगीकार है, मुझे स्वीकार, मुझे स्वीकार, उसका आनंद सुख देने वाला है जगदम्बा। मां पार्वती शिव जी के साथ में आनंद में विराजमान। और एक निवेदन आप सबसे कहूंगा, प्रयास करिएगा जीवन में 2 रोटी कम खा लो पर किसी से कर्जा मत। और एक शिवलिंग के अंदर केवल अकेला शंकर नहीं है, जहां पर गोल धारी पर शिवलिंग रखा हुआ है वो जगदम्बा पार्वती का हस्त कमल है, जहां पर से पानी नीचे गिर रहा है उसका राइट भाग में गणेश और लेफ्ट भाग में कार्तिकेय हैं, बीच में शिवलिंग के सामने जो मोटी सी लाइन है वो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी है, शंकर भगवान के ऊपर जलाधारी में से जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है वो साधारण नहीं, शंकर भगवान की 5 लड़कियां जया विषहरा सामरीबारी दोतली और देव है, शंकर भगवान के 13 के 13 बच्चे एक ही शिवलिंग में विराजमान है, और जहां पर शिवलिंग ऊपर की ओर रखा हुआ है वहां पर 33 कोटि देवता विराजमान है, जहां से शंकर का पानी चढ़ा हुआ निकल कर जाता है वहां पर 64 योगनी और 33 कोटि देवता हाथ की अंजलि लेकर जल का आचमन करते हैं, जब सारे देवता वहां पर हैं तो हम भटके क्यों, हम क्यों जाएं यहां से, क्यों जाएं, अब मर्जी तुम्हारी है, तुम चाहो तो ये थोड़े दिन इस देवता को भज लो, थोड़े दिन उस देवता को भज लो, सारे मंदिर में घूमते रहो, बात तो वही है। तो ये जो नसों में तकलीफ रहती है लोगों को, गठिया का दर्द रहता है, गठिया बाय हो जाती है, उसके लिए भी हमारे यहां शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेल का जो फल होता है वो 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने शिवरात्रि को बेल का जो फल होता है उस फल को सुखा कर रख लो और 12 महीने की शिवरात्रि पर शंकर भगवान के शिव मंदिर में दोपहर के ठीक 12 बजे जाकर शंकर को समर्पित करो, एक लोटा पानी चढ़ा दो, बेलपत्र समर्पित कर दो, उस बेल के फल को उठाकर ले आओ और उस बेल के फल को उठाकर उसका थोड़ा सा भाग अपने भोजन में या आहार में उसको ग्रहण करना प्रारंभ कर दो, बस थोड़ा सा। जो गठिया का दर्द होता है, नसों में जो तकलीफें होती हैं, वो तकलीफें मिटना प्रारंभ हो जाए, बस थोड़ा सा भाग लेना, ज्यादा नहीं, एक अंगुष्ठ के पोर के बराबर, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, एक औषधि। महाराज शिव कथा कह रही है, बाबा भोलेनाथ की कथा कह रही है कि बहुत दुख भी अगर आ गया तो बाबा को समर्पित कर सब्सक्राइब करें हमारा, बाबा के चरणारविंद में समर्पित कर चलें, और ध्यान दीजिएगा भगवत भजन के लिए जो समय बाबा ने दिया है वो पूर्ण समय हम भगवान को समर्पित करें। मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा कि दिन भर में 24 घंटे में कम से कम 5 बार, केवल 5 बार ओमकार का नाद होना चाहिए, क्यों, तो कहता है ये इंद्रियां हमारी जो गलत मार्ग पर जाती हैं उसको केंद्रित कर शरणागति का मार्ग पर पहुंचा देते हैं, केवल हो एक परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति, एक परीक्षा में बैठने वाला लड़का लड़की, कोई एग्जाम में बैठ रहे हैं, कोई परीक्षा में बैठ रहे हैं और वो एग्जाम निकल नहीं रहा, तो गाय के दोनों सींग, सींगों के अग्रभाग ऊपर का भाग उसको हमारे यहां कैलाश पर्वत माना गया, उस पर शहद लगाकर, उसके अग्रभाग में शहद लगाकर बेलपत्री के मध्य भाग में उस सींग का शहद लेकर मध्य भाग में लगाकर शिवलिंग पर चिपका दीजिए सामने, और ओमकार का नाद कर
उस पत्ते को निकाल लीजिए, उसका शहद मस्तक पर चंदन में घोल कर तिलक लगाकर परीक्षा में जाकर बैठिए। आप जितना याद कर गए हो आपके सम्मुख में आपके एग्जाम में वही आएगा जो आपने याद किया है और आप उसको क्लियर कर सकते। महाराज ओमकार के नाद का सुख, हम कैलाश पर्वत नहीं जा सकते, हम कैलाश पर नहीं चढ़ सकते, तो कैलाश गौ माता के सींग पर विराजमान। अग्रभाग जो है हम कैलाश पर्वत ही मानते हैं कि मां आपके ये मस्तक पर जो अग्रभाग है, सींग जो है, ये हमारे लिए आप कैलाश का भाग ही है, कैलाश ही है मां। ये प्रेम, ये वात्सल्यता, ये स्नेहता। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान कह रहे हैं ओमकार का एक नाद ऐसा होता है जो एकाग्र चित्तता को स्थापित कर देता है, इंद्रियों को लाकर भगवान की शरणागति में छोड़ देता है। भगवान की शरणागति 21,600 श्वास में से मात्र थोड़ी सी श्वास प्रतिदिन 24 घंटे में से कुछ मालूम पड़े, 5 बार 3 बार 2 बार ऐसा नाद ओंकार का हो जिससे हमारा मिलन परमात्मा से हो। हमारा महाराज भगवान शिव का विवाह जब पार्वती के साथ में हुआ तो पार्वती मैया ने विवाह के पहले जो साधना करी है, जो तप करा है, जो एकाग्र चित्तता धारण करी है, वो साधारण सी नहीं रही है। माता की वो साधारण सी नहीं, भक्ति प्रबल थी। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पास्तु। इसलिए तो बाबा विश्वनाथ भगवान शंकर माता पार्वती को मिले। और विचार करिएगा जरा, आज भी माताएं अच्छा वर पाने के लिए, कन्याएं उत्तम पति पाने के लिए अगर आराधना करती हैं तो शिव की करती हैं, शंकर की, माँ जगदन्नी जगदम्बा की, अम्बा की, दुर्गा की। क्यों? क्योंकि हम इनकी आराधना करेंगे, हम इनकी भक्ति करेंगे तो जैसे पार्वती जी को शिव मिले ऐसे हमको भी कोई अच्छा वर प्राप्त हो। अच्छा वर प्राप्त हो। अच्छा, आपने कभी ध्यान दिया कि जितनी भी माताएं, जितनी भी कन्याएं वो शंकर जी की पूजन करती हैं उत्तम वर पाने के लिए, तो नारायण की पूजन क्यों नहीं करती उत्तम वर पाने के लिए, या ब्रह्मा जी की पूजन क्यों नहीं करती उत्तम वर पाने के लिए, पर पार्वती की पूजन करेंगे और पार्वती मैया का पूजन करेंगे, शंकर जी का पूजन करेंगे उत्तम वर पाने के लिए, पर ब्रह्मा जी का नहीं, नारायण का नहीं। क्यों? क्योंकि माताओं को, कन्याओं को यह मालूम है कि भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को ब्याह जरूर लाए हैं, पर भगवान ने लक्ष्मी जी से कह दिया था, ए लक्ष्मी मैं तुझसे विवाह जरूर कर रहा हूं पर तुझे मेरे चरणों में रहना पड़ा, तू मेरे चरणों में रहे। तो आपने लक्ष्मी जी का दर्शन करा, कहां पर है वो? भगवान के चरणों में। भगवान ब्रह्मा जी का पूजन कन्याएं वर के लिए क्यों नहीं करती? क्योंकि भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्माणी से विवाह करा, पर ब्रह्माणी ब्रह्मा से दूर है, पर कन्या शिव का स्तमान पार्वती का पूजन इसलिए करती है पति पाने के लिए कि आपके जैसा पति मिले। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान स्वयं नीचे हैं और मां जगत जननी जगदम्बा को उन्होंने ऊपर बिठा रखा। किसी भी शंकर जी के मंदिर में जाकर देखना, शंकर का शिवलिंग नीचे होगा और पार्वती सामने हाथ जोड़ी हुई ऊपर न जा। मेरे भोलेनाथ अर्धांगनी का आदर करना जानते हैं, सम्मान करना जानते हैं कि तुम अग्रभाग में रहो, ऊपर रहो, सम्मान आपको मिलता रहे, क्योंकि आप हमारी अर्धांगनी। शिव भले नीचे हो, आप तो जाओ महाकाल का दर्शन कर लो, महाकाल में भी आप जाएंगे, मल्लिकार्जुन में चले जाओ, चाहे आप त्र्यंबक चले जाओ, चाहे आप सोमनाथ चले जाओ, रोज आपके यहाँ सोमनाथ के भी दर्शन आते होंगे, है महाकाल का दर्शन आता, कभी दर्शन करना। महाकाल बाबा नीचे हो, पार्वती जी बिल्कुल दीवार में, बिल्कुल सामने ऊपर, सोमनाथ जी नीचे, जगदम्बा सामने ऊपर, बाबा वेदनाथ नीचे, जगत जननी ऊपर। आदर का जो भाव है वो शिव में, सम्मान का जो भाव है वो शंकर में, कि मैं इनका आदर करना चाहूं। इसलिए नारी भगवान शिव जैसा पति चाहती, भोलेनाथ जी जैसा मिले, अलमस जब जाए साथ लेकर जाए बाबा विश्वनाथ जैसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
श्री सब्सक्राइब करें शिवा चैनल पास्तु नमस्तु।